यूपी की सियासत में जितनी तेजी के साथ हालात, जज्बात और रिश्ते बदलते हैं, शायद ही किसी दूसरे सूबे में ऐसा देखने को मिलता है। अभी कुछ साल पहले ही सपा और बसपा की दोस्ती ऐसी हो गई थी कि साल 2019 में दोनों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोगों ने बुआ भतीजे की जोड़ी बना दी थी। लेकिन वहीं कुछ साल बाद ही जैसे ही चुनाव निपटा, उसके बाद जब आया 2022 और उसमें विधानसभा चुनाव हुए, तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग राह चलते हुए अलग अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन इन दोनों के बीच की जो बीच में दोस्ती हुई थी, उससे पहले जो अदावत थी, वो सालों तक भारतीय राजनीति में और यूपी की राजनीति में जिंदा रहेगी। समाजवादी पार्टी से बीएसपी यानी मायावती की अदावत गेस्ट हाउस कांड के बाद से शुरू हुई थी और दुनिया जानती है कि उसके बाद दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। हालांकि राजनेता सियासी रंजिश से इतर आपसी संबंधों को बनाए रखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसा ही मायावती और मुलायम परिवार के साथ भी है। इस बात की जीती जागती नज़ीर एक किस्सा है, जो कि मायावती और डिंपल यादव की पहली मुलाकात यानी पहला आमना सामना से जुड़ा हुआ है, जब मायावती अपने आप से इस बात से नाराज़ हो गई थी कि उन्होंने डिंपल यादव को नमस्ते क्यों नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मैनपुरी से सांसद और यादव परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव अपनी सादगी और सहजता के लिए जानी जाती हैं। राजनीतिक परिवारों में डिंपल उन बहुओं में हैं जो अपने सीधे, सच्चे और सादे स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। इसीलिए उन्होंने बिना लाग लपेट के पहली बार जब वो मायावती से मंच पर मिली, तो उन्होंने भरी भीड़ के सामने उनके सम्मान में झुककर उनके पैर छुए और नमस्कार किया। इतना ही नहीं, जब सपा बसपा में एका हुई थी तो भरे मंच में उन्होंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया था और उन्होंने आगे बढ़कर मायावती से आशीर्वाद ले लिया था। हालांकि ये उनकी दूसरी मुलाकात थी जो कि सार्वजनिक थी, लेकिन उनका और बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली बार एक मुलाकात एरोप्लेन में हुई थी। दरअसल इस किस्से में चार किरदार हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मायावती, डिंपल यादव और मायावती के सुरक्षा अधिकारी रह चुके और मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता पदम सिंह। जी हां, करीब 18 साल तक मायावती की सेवा में यानी सुरक्षा में तैनात रहे रिटायर्ड डिप्टी एसपी पदम सिंह ने साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह की सुरक्षा में कई बार पदम सिंह ने अच्छा काम किया था। इसके बाद अखिलेश यादव, डिंपल और मायावती से जुड़ा उन्होंने बीते दिनों एक किस्सा साझा किया है। दरअसल जब वो मायावती की सुरक्षा में तैनात थे, तब का ये वाकया है। पदम सिंह के मुताबिक साल 2002 की बात है, जब दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में बिजनेस क्लास में मायावती बैठी हुई थी और उसी साल 2000 में पहली बार अखिलेश यादव सांसद बने थे और वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली जा रहे थे उसी फ्लाइट में, और उसी बिजनेस क्लास में उनकी भी टिकट थी। सामने मायावती बैठी हुई थी। मायावती को सीट में बैठा हुआ देखकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने दोनों ने नमस्कार किया, लेकिन मायावती ने डिंपल यादव को पहली बार देखा था और उन्होंने उनके नमस्कार का जवाब नहीं दिया। और इसके बाद फ्लाइट जब दिल्ली पहुंच गई, तो वहां पर उतरने के बाद मायावती ने युवा दंपति के बारे में उन्होंने उनसे पूछा और पदम सिंह से कहा कि आखिर ये लड़की कौन है, ये महिला कौन है जो अखिलेश के साथ जा रही। तब पदम सिंह ने मायावती को जवाब देते हुए कहा, ये कोई और नहीं बल्कि मुलायम सिंह की बहू और उनका ये बेटा अखिलेश यादव, यानी अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव। तो उसके बाद मायावती के होश उड़ गए। मायावती ने तुरंत टोकते हुए पदम सिंह से कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें चुपचाप मेरे कान में मुझे बता देना चाहिए। उनके यानी मुलायम सिंह के बेटे बहू ने मुझे नमस्ते किया, मुझे भी सही से उनका अभिवादन करना चाहिए था। वो लड़का और मेरे बारे में उसकी पत्नी क्या सोच रही होगी, ये सही नहीं किया है मैंने, ये सोचकर काफ़ी गिल्ट हुआ था मायावती को। मायावती का इस घटना पर अफसोस जताना इस बात का साफ इशारा करता है कि नेता आपस में भले ही कितनी भी बयानबाजी कर लें, आपस में कितनी ही रंजिश हो, लेकिन वो परिवार के प्रति कभी दुर्भाव नहीं रखते हैं और हमेशा दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझते हैं। इसीलिए मायावती ने अखिलेश और डिंपल को पलट कर नमस्कार न करने पर खेद जताया था, जिसका खुलासा उनके ही सुरक्षाकर्मी पदम सिंह ने किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।